हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, ऋतिक रोशन की आने वाली मच वेटेड मूवी फाइटर 25 जनवरी को सिनेमा थिएटर में रिलीज होने वाली है। दोस्तों, इस मूवी में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं और इस मूवी को डायरेक्ट किया है वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर दत्त आनंद ने। दोस्तों, इस मूवी का ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया है। अगर हम ट्रेलर की बात करें तो 3 मिनट 9 सेकंड के इस ट्रेलर में हमें वो सारी चीजें देखने को मिलती हैं जो एक फाइटर मूवी में होनी चाहिए। जिस तरीके से ट्रेलर की शुरुआत होती है, जिसमें हमें दिखाया जाता है ऋतिक रोशन और उनके सारे कलीग करण ग्रोवर, छहोबर है, सभी लोगों के एक साथ में होते हैं। सभी को एक साथ कलेक्ट करके एक क्विक एंड रिस्पॉन्स रेस्क्यू टीम बनाई जाती है। अनिल कपूर इस पूरी टीम को लीड करते हैं। उनकी टीम में सबसे सीनियर पोजीशन पे होते हैं ऋतिक रोशन। इस मूवी के अंदर जो हमें बेस प्लॉट दिया गया है वो दिया गया है पुलवामा हमले का। किस तरीके से पाकिस्तान के आतंकवादी पुलवामा पर हमला करते हैं और 40 जवान को शहीद कर देते हैं, उसी बेसिस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ये बताते हैं हमारे नौजवानों की कि आखिरकार उनको हमें बताना पड़ेगा कि आखिरकार बाप कौन है। हम पाकिस्तानों पर स्ट्राइक भी करते हैं, पाकिस्तान के भी यहाँ पर फाइटर जेट दिखाए गए हैं जो कि हमें ग्रीन कलर में नजर भी आते हैं, पर पाकिस्तान वाले इंडिया को भी फंसाते हैं। इस तरीके से पूरी मूवी इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बीच में दिखाई गई है। किस तरीके से रियल प्लॉट को लेकर उस कहानी को आगे बढ़ाया गया है। फिल्म का जो एंड नोट होता है, जिसमें वो सुबलाम वंदे मातरम जो सॉन्ग आता है, वो सुनने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है, जिसका भी एक्चुअल पूरा गाना फिल्म मेकर से रिलीज नहीं किया गया। तो दोस्तों, ऑल ओवर कहा जाए तो मूवी का जो ट्रेलर है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, मूवी को अच्छा पिच देता है। हो सकता है कि ये मूवी को और ज्यादा ग्रो भी कर पाए, लेकिन ट्रेलर आने के बाद इस मूवी का बज भी बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।